समस्त विश्ववासी दर्शकगण, बालक बच्ची, भाई बहन, ऋषि मुनि ज्ञानी, राजा महाराजा, शासन और प्रशासन, आप सबके लिए शुभकामनाओं के साथ नंदन वंदन अभिनंदन कह रहा हूँ। अपने कर्म और धर्म को जानते हुए सबके मस्तक पर चंदन भी कह रहा हूँ। भाइयों बहनों, नारी पुरुष सब ही सुनो यह संतों की साख, नारी पुरुष सब ही सुनो ये संतों की साख। विष फल फले अनेक हैं मत कोई देखो चाख। हे आत्म कल्याण, अपने आत्मा का कल्याण चाहने वाले भाई बहन, नारी पुरुष, समस्त विश्ववासी, अपना कल्याण चाहने वाले हे पुरुषों, हे माताएं बहनें, मेरी अजमाई हुई बात को ध्यान में सुने, क्योंकि इनमें विष भरा हुआ है। समाज में अनेक विषमय फल लगे हुए हैं, लेकिन उनको कभी भी देखकर उनके ओर आकर्षित मत होइए, नहीं उन्हें तोड़कर चाखने की कोशिश ही करिए, क्योंकि इसमें विष भरा हुआ है। भाइयों बहनों, सब ही भूमि बनारसी, सब नीर गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम हैं जो निर्मल घट हो। ज्ञानी पुरुष अपने हृदय को निर्मल कर अपने रूप में अवस्थित हो गए, उनके लिए तो सभी जगह कांसी है और सारी नदियां गंगा के समान पावन पवित्र हैं। भाइयों बहनों, आगे देखिए, दुविधा जाके मन बसे, दयावंत जिय नाय, संत त्यागे ताही को, भूली देही जनी बाही। हे भाइयों बहनों, जिसके मन में दुविधाएं ही दुविधा, दुविधा ही दुविधा बसती हैं, ऐसे मनुष्य का साथ फौरन छोड़ देना ही हितकर होता है। चिमटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, चिमटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहे संत दो ना मिले, एक ले दूजी डाल। एक चींटी एक चावल लेकर चलती है, रास्ते में उसे एक दाल पड़ी भी दिख जाती है, चींटी जो है दुविधा में हो जाती है। भाइयों बहनों, अगर चावल को छोड़ती है तभी तो वो दाल ले सकती है, या चावल को लेकर जाती है तो दाल को वहीं छोड़ना पड़ेगा। ये संतों की आत्मकथा। भाइयों बहनों, दूसरे को त्यागना ही पड़ता है, तब जा कर के वह व्यक्ति परमपिता परमात्मा का हो सकता है, क्योंकि एक को अपनाएगा। अब चींटी चावल लेकर चली गई तो दाल तो वहीं छूट गया। हे भाइयों बहनों, इसी वाणी पर विश्व का कल्याण हो, आप सब परम सुख समृद्धि पावें। वाणी विराम कर रहा हूँ, जय श्री राम कह रहा हूँ।